नमस्कार, JNI न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का अग्रवाल। लखनऊ से आ रही बड़ी खबर, पुलिस दे रही अपराधियों का साथ, नहीं सुनी जा रही पीड़ितों की गुहार। पुलिस ने अपराधियों के साथ मिलकर किया बुजुर्ग महिला व उसके दामाद को घर से बेघर। लखनऊ चिन्हट कोतवाली थाना अंतर्गत का मामला सामने आया, जहाँ चिन्हट पुलिस ने आफताब आलम के कहने पर मकान नंबर 632/38 में रहने वाले बुजुर्ग महिला सुनीता व उसके दामाद शैलेंद्र सिंह को घर से बेघर कर दिया। पीड़ित शैलेंद्र सिंह ने क्या कहा, आइए देखते हैं नीरज वाल्मीकि की इस रिपोर्ट में। तो कानून के रक्षक ही बन जाए कानून के भक्षक और करने लगे जनता को परेशान। जी हां, ऐसे ही एक प्रकरण सामने आया है, कमता शिवपुरी कॉलोनी का मामला लखनऊ का, जहाँ पर आफ्ताब आलम और उनके गुर्गे पुलिस वालों की देख रेख में कर रहे हैं जनता, यानी कि शैलेंद्र जो है उनके घर पे अपने गुर्गों को बैठाल करके, उनके गुर्गों का मतलब ताला तोड़ करके और काफी, और इसमें पुलिस भी उनका पूरी तरीके से साथ दे रही है। क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है आखिर पुलिस, जबकि शैलेंद्र जो पीड़ित युवक है उसने पहले भी FIR करवा चुके थे आफ्ताब आलम के साथ धोखाधड़ी महिला के साथ करके, और फर्जी तरीके से उसके जमीन पर उसके मकान पर कब्जा कर लिया है। पूरा मामला क्या है आइए जानते हैं शैलेंद्र। क्या चाहते हैं आप बताइए। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी सुरक्षा हो और मुझे सेफ्टी दी जाए, क्योंकि मेरी जान को खतरा लगातार बना हुआ है। आपकी जान को क्यों खतरा है? इसलिए क्योंकि मेरी और मेरे सास के अलावा कोई है नहीं है, मेरी सास को अंदर कर दिया है और मैं ही बचा हूँ, इसलिए वो किसी भी समय मेरी हत्या करा सकते हैं, और अगर मुझको अगर कुछ हो जाता है, मेरी संदिग्ध तरीके से मौत हो जाती है, तो इसके जिम्मेदार 3 लोग हैं, आफ्ताब आलम, और ये आफ्ताब आलम ने जिसको प्रिंसी सिंह को कागज बेस भेजा है मकान, कागज बेस प्रिंसी सिंह है, वाइफ ऑफ सौरभ सिंह, और ये SI जो दरोगा सर हैं सुनील कुमार मौर्य, ये जिम्मेदार है। ऐसा आपने क्या मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी सूचना दी है? हाँ, ये मैंने 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पोर्टल में सूचना दी है। अच्छा, इसमें आपने दर्शाया है, तो ये आपने इसमें जो मुख्यमंत्री पोर्टल पे जो आपने मैंने 3-4 फोटो भी अपलोड की हैं उसमें जी, तो वो भी आपने भेजा है वारदात की, जी साथ में संग लिए। तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब जल्द से जल्द इनके खिलाफ FIR हो, मेरे सास के तरफ से जो एप्लीकेशन दिया गया था, और मतलब मुझे सेफ्टी दी जाए क्योंकि मेरी जान को खतरा भरा। बोल दीजिए, जो मेरे मकान में घुसे हुए मेरे सामान लूट। हाँ, ये देखिए वीडियो। अच्छा, इसमें जो है दिख रहा है कि वो सब सामान अंदर से निकाल के गाड़ी में भर के लिए जा रहे हैं। जी, तो ये सामान आपका था? जी। और कौन लिए जा रहा है ये सामान? ये आफ्ताब आलम गुंडे हैं। आफ्ताब आलम भी साथ में है? जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद कुछ नहीं, आज भी वो घुसे हुए हैं और मतलब मुझको मतलब जान का खतरा है। मतलब वो आपके मकान में सामान आपका जब ले जाते हैं जी, तभी कब्जा भी कर लेते हैं? हाँ, तुरंत है? हाँ, उस मकान में घुसे हुए हैं? जी, वो भी आपका वीडियो है? हाँ, उसमें, हाँ, ये देखिए वीडियो, उसमें है, मतलब वीडियो में सारी चीजें हैं। अच्छा, हाँ, इसमें भी दिख रहा है, तो ये उसमें इस वक्त काबिज हैं, मतलब आपके मकान के ऊपर कब्जा हो चुका है। तो आप अब कहाँ हैं? अगर मकान आपके ऊपर कब्जा हो गया, मकान आपका ले गए, पहले लूट हुआ आपके मकान का, पहले सामान लूटा गया, फिर उस पर कब्जा हो गया, उसके बाद में क्या हुआ?
ये मेरी सासू माँ को ले गए, ये मुझे भी पकड़ने आए थे, ठीक है, मैं इनको मिला नहीं हूँ, तो ये मुझे मतलब पकड़ने के लिए तलाश रहे हैं, अब मेरी किसी भी समय कौन, कौन तलाश रहे हैं आपको? आफ्ताब आलम गाजी पुलिस, मतलब ये पुलिस मिली हुई है उनसे, और ये खासतौर से कहाँ की पुलिस मिली हुई है? सीनेट कोतवाली के, और जो खास SI सर हैं जो सुनील कुमार मौर्य जो जाँच कर रहे हैं FIR में, ये खासतौर से मिले हुए हैं। अच्छा, जो जो कमता जो पुलिस चौकी है वहाँ के जो हैं SI चौकी, अच्छा सब इंस्पेक्टर जो आपके केस के आए हुए हैं? जी जी जी, हाँ जी, जांच करता है। आपका कहना है ये जो FIR आपने कराया था उसके बाद में पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हुई? पुलिस की कार्रवाई से, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की आपकी तरफ, आपके फेवर में कोई कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई नहीं की। फिर क्या हुआ इसके बाद? ये मतलब दो मेरी FIR के बाद मुझे 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद पता चला है कि एक फर्जी FIR पुलिस के द्वारा मेरे ऊपर हुई है, मतलब मेरी सास के ऊपर, जिसमें मेरा नाम भी पड़ा हुआ है। किसने किया? ये आफ्ताब आलम की तरफ से। अच्छा, आफ्ताब आलम ने अपना, आपके बदले में उन्होंने भी आपके खिलाफ कार्रवाई करी? जी जी जी, FIR करी जी। ठीक है, फिर क्या हुआ? और आफ्ताब आलम की तरफ से मेरी वाइफ का, मेरे साले का भी नाम लिखवाया गया है, जो पहले ही खत्म हो चुके थे मेरी FIR के पहले ही। मतलब जब आपने FIR कराई थी उसके पहले आपकी साले साहब और आपकी पत्नी खत्म हो चुकी थी, उनका नाम उस FIR में लिखी गई, लिखा गया है आफ्ताब आलम की तरफ से, जो FIR लिखाई गई है। जी, फिर क्या हुआ? इसके बाद ही मतलब 2-3 महीने बाद, अभी मतलब 26 जुलाई के आसपास कुछ मतलब गुंडे, 7-8 गुंडे आए थे, वकील के ड्रेस में थे आफ्ताब आलम की तरफ से, और गाली गलौज कर रहे थे। मेरी सासू माँ थी तो मतलब धमकी दे रहे थे, यहाँ से छोड़ के चले जाओ। क्यों धमकी दे रहे थे? मकान छोड़ने के लिए कह रहे थे, कहते मकान छोड़ के चले जाओ यहाँ से, नहीं मतलब तो मकान क्यों छोड़ने के लिए कह रहे थे? वही मतलब जो उसने रजिस्ट्री कराई थी उसी के नाम थे, कि मतलब आपने तो बेच दिया है, अब ये मकान खाली, बेच दिया नहीं, तुमको जेल में करा देंगे, जेल में। अच्छा, तो उनके साथ में आफ्ताब आलम के समर्थन में कुछ वकील आए थे? हाँ हाँ, वकील 7-8 वकील थे, जिसका वीडियो भी मेरे पास है। अच्छा जी, और इसके फिर वकील लोग आए आपके यहाँ, कब्जा कर लिया, फिर क्या हुआ? नहीं नहीं, उस समय कब्जा नहीं किया, आए थे मतलब धमकी देके, मतलब चले गए, कहने लगे छोड़ के यहाँ से चले जाओ। तो इसके बाद फिर मैंने अपनी सासू माँ को लेके हम मतलब एप्लीकेशन देने गए, सब जगह एप्लीकेशन दिए मैंने, और कहाँ कहाँ एप्लीकेशन दिया था? मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल में भी डाला, और कमिश्नर सर से, मुख्यमंत्री पोर्टल में डाला था जी, जी, उसकी कॉपी है आपके पास, दिखाइए। अरे वो है तो नहीं है, वो उनके पास है जो सासू माँ का।